माई नेम इ शशि पांडे आई एम फ्राम आई आई टी लखनऊ सो इन टूडेज़ लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ़ डेटा एक्वजिशन सिस्टम ओके सो इन प्रीवियस लेक्चर वट थिंग्स ऑलरेडी हैज़ बीन कवर्ड दैट इज़ योर वॉट इज़ डेटा एक्विजिशन सिस्टम क्या होता है बेसिकली डेटा एक्वजिशन सिस्टम और उसमें कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं डेटा एक्वजिशन सिस्टम में बेसिकली और क्या क्या यूनिट्स होती हैं डेटा एक्वजिशन सिस्टम है तो एक एक बार फिर देख लेते हैं कि ब्लॉक डायग्राम में कौन कौन से कंपोनेंट्स uh, होते हैं बेसिकली दिस इज योर फिजिकल पैरामीटर को ट्रांसड्यूसर में जब प्लेस करेंगे तो ट्रांसड्यूसर uh, क्या करता है बेसिकली एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करेगा अनादर फॉर्म और इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ़ एनर्जी ठीक है इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा ठीक है फिर उसके बाद हमारा ये सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट्स हो जाएगी सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट फिर इस इस ब्लॉक को मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं ठीक है तो हमारा बेसिकली सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टेन हो गया विद द हेल्प ऑफ़ ट्रांसड्यूसर ठीक है उसके बाद हम सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट में उस सिग्नल को प्रोवाइड कराएंगे सो so दैट अगर हमारा सिग्नल वीक है या फिर उसमें स्ट्रेंथ कम है तो उसको यूजफुल सिग्नल बना देंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पलीफायर मॉड्यूलेटर और एटोनिट फंक्शन व्हाट एवर रिक्वायरमेंट इज देयर विद द हेल्प ऑफ सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट वो चीज़ रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी और फर्दर उसके बाद हमारा इसका जो आउटपुट मिलेगा सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट का दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द मल्टीप्लेक्सर ठीक है अब मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा जो सेवरल आउटपुट्स मिलेंगे यहाँ से उसको एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा ठीक है सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा बेसिकली देखते हैं ब्लॉक डाइग्राम डेटा एक्विजिशन सिस्टम ठीक है तो ये ठीक है दीज आर योर ट्रांसड्यूसर्स, ट्रांसड्यूसर ठीक है ट्रांसड्यूसर टू थ्री ठीक है उसके बाद हमारी कौन सी यूनिट होती है सिग्नल कंडीशनिंग ठीक है सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट ठीक है अब इस इसके बाद हमारा कौन सा ब्लॉग होगा मल्टीप्लेक्सर ठीक है फर्दर हमारा जो फर्दर जो ब्लॉग होगा दैट इज़ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर उसके बाद हमारा जो फर्दर ब्लॉग्स आते हैं दैट इज़ जब डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद हमारा रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा दिस इज़ योर पावर डिजिटल डिस्प्ले डिजिटल डिस्प्ले में हम उस आउटपुट को रिप्रेजेंट कर देंगे या फिर स्टोर भी कर सकते हैं डिजिटल डिस्प्ले हो गया रिकॉर्डर्स मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर्स ठीक है मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर फाइनली कंप्यूटर कंप्यूटर ठीक तो यहाँ पर ये बेसिकली ऐसे हमारा डिजिटल एक्विजिशन सिस्टम काम कर रहा है ठीक है एनालॉग डेटा में रिकॉर्डर हो सकता है ठीक है रिकॉर्डर हो सकता है आपका डिस्प्ले ठीक क्या करता है ट्रांसमिशन भी कर सकता है ठीक है ठीक तो बेसिकली जो हमें डेटा मिला है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं डिस्प्ले कर सकते हैं और ट्रांसमिट भी कर सकते हैं तो यही हमने देखा था डेटा एकोजिशन सिस्टम में क्या कर रहे थे कि हमारा सिग्नल जो था बेसिकली सिग्नल को हम कंप्यूटर में प्लेस करा रहे हैं फॉर द फर्दर फंक्शनिंग एंड प्रोसेसिंग और मॉनिटरिंग और कंट्रोल ठीक है तो उसको हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं ठीक है फॉर स्टोरेज पर्पजेज़ डिस्प्ले कर सकते हैं और ट्रांसमिट भी कर सकते हैं डेटा को ठीक है उस डेटा को ठीक तो हमारा ये इस टाइप से हमारा डेटा एक्विजिशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इसमें देख रहे हैं कि हमारे कौन कौन से ब्लॉक्स हैं बेसिकली फर्स्ट ब्लॉक जो है वो ट्रांसड्यूसर्स का है ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है हमारी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद उस सिग्नल को हम सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट में दे रहे हैं जिससे हमारा सिग्नल एम्पलीफाई हो जा रहा है उसके बाद हम उस सिग्नल को मल्टीप्लेक्सर में प्रोवाइड कर रहे हैं मल्टीप्लेक्सर का फंक्शन क्या होता है बेसिकली मल्टीप्लेक्सर हमारा वेरियस जो सिग्नल कंडीशनिंग आउटपुट्स हैं इस वेरियस आउटपुट uh, का एज इनपुट वर्क करेगा और इनपुट को आउटपुट में एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा ठीक है तो अब ये सिंगल आउटपुट uh, जो मिला उसको हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में दे देंगे और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करेगा हमारा सिग्नल को एनालॉग फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देगा ठीक है उसके बाद जब हमारा डिजिटल सिग्नल मिल गया उसको हम डिजिटल uh, डिस्प्ले uh, में शो कर देंगे या फिर उसको रिकॉर्ड कर लेंगे फॉर स्टोरेज परपजेज और उसको हम कंप्यूटर में जब हमारा सिग्नल डिजिटली फॉर्म में मिल गया तो हम उसको कंप्यूटर में प्लेस करा देंगे फॉर फर्दर मॉनिटरिंग एंड प्रोसेसिंग सो दिस इज़ द ओवरऑल बेसिक ब्लॉक डाइग्राम ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम तो ये हमने यही देखा ठीक है ये देखो ये हमने इसका जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हमें जो फाइनली ऑप्टेन हुआ उसको हम कंप्यूटर डेटा बस से कनेक्ट कर देंगे तो हमारा फाइनली मॉनिटरिंग और रिकॉर्डिंग हो उस सिस्टम की हो जाएगी ठीक है मतलब हमारा सिग्नल यहाँ फ़िजिकल पैरामीटर को हमने कंप्यूटर डेटा बस से इंटरफेस कर दिया ठीक है तो बेसिकली हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एक डेटा एक्जिशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो एक इंटरफेस बनाता है आपका फिजिकल क्वांटिटी से टू द आपका कंप्यूटर कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करता है ठीक है तो एक रियल वर्ड से वर्चुअल में कन्वर्ट करता है इंटरफेस करता है रियल वर्ड से आपका कंप्यूटर कंट्रोल और मॉनिटरिंग में चेंज करता है ठीक है तो हमने यही देखा कि हमारा एक डेटा एक्विजिशन एक ऐसा इंटरफेस है जो रियल वर्ल्ड मतलब रियल वर्ल्ड मतलब ये सारी फिजिकल पैरामीटर्स को चेंज करने के बाद हमारा इलेक्ट्रिकल आउटपुट हमें जो हमारा डेटा मिला डिजिटली डेटा उस डेटा को हमने कंप्यूटर डेटा बस पे लोड कर दिया ठीक है तो ये हमारा ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम ऑफ डेटा एक् सिस्टम हो गया ठीक है तो ये डिटेल में पढ़ लिया हमने फिर अब इन कंपोनेंट की डिटेल मैंने बता ही दिया ये आपको पता ही है ट्रांसड्यूसर क्या है द इनपुट टू द सिस्टम इज ए फिजिकल पैरामीटर सच एज टेम्परेचर प्रेशर फ्लो एक्सीलरेशन एंड पोजिशन विच आर एनालॉग क्वान्टिटीज द पैरामीटर इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इन एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल ठीक है तो ट्रांसड्यूसर यहाँ पे क्या कर रहा है बेसिकली कोई भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है कोई इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट ठीक है तो हमारा इसमें फोर्स प्रेशर एक्सीलरेशन कोई भी हो पोजीशन, टेम्परेचर तो इन सबको हमारा वोल्टेज और करंट में चेंज कर रहा है ट्रांसड्यूसर ठीक है तो यही इसमें लिखा हुआ है कि द इनपुट टू द सिस्टम इज ए फिजिकल पैरामीटर सच एज टेम्परेचर प्रेशर फ्लो एक्सीलरेशन ई उसको कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में नेक्स्ट नेक्स्ट इज योर सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट तो सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट का क्या फंक्शन था मैंने बताया था उसको देख लेते हैं वही लिखा है आउटपुट सिग्नल्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स आर वेरी वीक सिग्नल्स जो हमारा आउटपुट हम हमें मिला था ट्रांसड्यूसर से दिस इज़ योर आउटपुट ठीक है तो जो ट्रांसड्यूसर का आउटपुट हमें मिला था वो सिग्नल्स आर वेरी वीक तो उन वीक को वीक सिग्नल्स को मॉडिफाई एम्पलीफाई करके हम स्ट्रेंथ स्ट्रेंथन सिग्नल बना के फिर उसको कन्वर्जन करते हैं ठीक है तो आउटपुट सिग्नल्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स आर वेरी वीक सिग्नल्स विच कैन नॉट बी यूज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ठीक है जो हमें ट्रांसड्यूसर से आउटपुट मिल रहा है वो सिग्नल्स काफ़ी वीक है तो उसको हम फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं ठीक है तो उसको यूजफुल बनाने के लिए हमने कौन सा ब्लॉक रखा सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट ब्लॉक रखा ठीक है तो टू मेक द सिग्नल स्ट्रॉन्ग वेरियस सिग्नल कंडिश्नर्स आर यूज ठीक है तो उस सिग्नल को स्ट्रॉन्ग और यूजफुल बनाने के लिए हमने वेरियस सिग्नल कंडिश्नर्स का यूज़ किया फॉर एग्जाम्पल एम्पलीफायर्स मॉडिफायर्स ठीक है तो ये सारे क्या हैं इसके सिग्नल कंडिश्नर्स हैं ठीक है ये क्या करते हैं किसी वीक सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं किसी स्ट्रॉग स्ट्रेंथ सिग्नल में ठीक है तो इसलिए हम मतलब सिग्नल कोई वीक सिग्नल है उसको सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट में प्लेस करेंगे तो ये एम्प्लीफाई कर देगा सिग्नल को और मॉडिफाई कर देगा जिससे हम डेटा प्रोसेसिंग यूनिट के लिए यूज कर सकते हैं ठीक है तो ये हमारा बेसिकली डेटा कंडीशनिंग सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट का फंक्शन हुआ ठीक नेक्स्ट क्या कर रहे हैं देखो नेक्स्ट हमारा कौन सा ब्लॉग है मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर क्या कर रहा है एक्सेप्ट मल्टीपल एनालॉग इनपुट्स ठीक है क्या कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है मल्टीपल एनालॉग इनपुट्स ठीक है तो जो हमारे सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट से आउटपुट मिल रहा है वो हम किस में दे रहे हैं आपका मल्टीप्लेक्सर में ही तो दे रहे हैं और और जो सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट का जो आउटपुट होगा दैट इज़ योर इन एनालॉग फॉर्म ठीक है तो उस एनालॉग फॉर्म ऑफ वेरियस आउटपुट को हमने मल्टीप्लेक्सर में सेंड किया तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है एंड प्रोवाइड ए सिग्नल आउटपुट प्रोवाइड ए सिंगल आउटपुट फॉर सिग्नल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ठीक है तो मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा बेसिकली हमारा काफी सारे जो आपके उसको सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा ये काफ़ी सारे इनपुट्स को सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा ठीक है तो हमें वन आउटपुट मिल गया उस वन आउटपुट को हम फर्दर क्या करेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में चेंज करेंगे ठीक है तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बेसिकली क्या करता है कन्वर्ट करता है एनालॉग डेटा इनटू डिजिटल डेटा ठीक है ये बेसिकली कैसे कन्वर्ट करता है एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो जैसे हमारा सिग्नल कुछ इस टाइप का था उसको ये डिस्क्रीट फॉर्म में चेंज कर देगा ठीक है ठीक तो ये बेसिकली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का क्या फंक्शन है कन्वर्ट एनालॉग डेटा इनटू डिजिटल डेटा ठीक है क्या इसकी इजी प्रोसेसिंग होती है इजी ट्रांसमिशन होता है डिजिटल डिस्प्ले एंड स्टोरेज पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं ठीक है तो इस डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए स्टोर करने के लिए भी ये यूज़ करते हैं ठीक है फिर नेक्स्ट क्या होगा रिकॉर्डर्स एंड डिस्प्ले डिवाइसेस नेक्स्ट जो यूनिट uh, आएगी दैट इज़ योर ये हमारा क्या होगा रिकॉर्डर और डिस्प्ले डिवाइसेस है रिकॉर्डर और डिस्प्ले डिवाइसेस वेरियस टाइप्स ऑफ रिकॉर्डर और डिस्प्ले डिवाइसेस यूज कर रहे हैं तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है रिकॉर्डर्स एंड डिस्प्ले डिवाइसिस डेटा इज डिस्प्लेड इन स्वेटेबल फॉर्म इन ऑर्डर टू मॉनिटर द इनपुट सिग्नल्स ठीक है अब जो फाइनल हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के हेल्प से आउटपुट मिला है उसको हमने रिकॉर्डर और डिस्प्ले डिवाइसिस में डिस्प्ले कर दिया है ठीक है रिकॉर्डर स्टोरेज पर्पस के लिए और डिस्प्ले कर दिया है कि जिससे हम आउटपुट uh, को देख सकें ठीक है तो उसके लिए कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं ऑसिलोस्कोप हो गया न्यूमेरिकल डिस्प्ले हो गया पैनल मीटर्स हो गए ठीक है तो डेटा इज डिस्प्लेड इन स्वेटेबल फॉर्म इन ऑर्डर टू मॉनिटर द इनपुट सिग्नल ठीक है तो हमारा डिस्प्ले डिवाइसेस के हेल्प से हम हमें बेसिकली सिग्नल्स देखने को मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग हम इनपुट के अकॉर्डिंग हम डेटा को मॉनिटर कर पाएंगे ठीक है तो किसके किसके ऑसिलोस्कोप के हेल्प से कर सकते हैं न्यूमेरिकल डिस्प्ले के हेल्प से और पैनल मीटर्स के हेल्प से भी कर सकते हैं ठीक है तो ये हमारी पूरी इसकी सिग्नल कंडीशन ब्लॉक डायग्राम हो गया डेटा एक्विशन सिस्टम का ठीक है इसमें हमने ट्रांसड्यूसर्स देख लिया सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट्स देख लिया उसके बाद मल्टीप्लेक्सर का क्या फंक्शन है एनोलॉग टू डिजिटल फाइनल रिकॉर्डर और डिस्प्ले यूनिट्स का क्या फंक्शन है ठीक है तो ये चीज़ें कवर कर ली हैं वही चीज़ें यहाँ पर लिखी भी हैं ठीक है डेटा कैन बी आइदर परमानेंटली और टम्पोरली स्टोर और रिकॉर्डेड ठीक है डेटा को हम आप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट परमानेंट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं टम्प्रेरी बेसिस पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं ठीक है किस किस में ऑप्टिकल रिकॉर्डर में अल्ट्रावायलेट रिकॉर्डर स्टाइल एंड इंक रिकॉर्डर ठीक है तो दीज आर द वेरियस रिकॉर्डर विच आर यूज फॉर द स्टोरेज परपजेज ओके कि इनको स्टोर करने के लिए कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं दैट इज़ योर ऑप्टिकल रिकॉर्डर अल्ट्रावायलेट रिकॉर्डर एंड स्टाइलिश और एंकर रिकॉर्डर ठीक है तो ये सारी डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं ठीक है तो ये ये तो सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट का ही पार्ट होगा ठीक है सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट एम्पलीफायर ट्रांसड्यूसर आउटपुट में बी माइक्रो वोल्ट और मिली मिली वोल्ट लेबल्स सिग्नल्स विच आर देन एम्पलीफाइड टू वन टू टेन वोल्ट लेबल्स ठीक है प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया था कि ट्रांसड्यूसर का जो आउटपुट होता है वो काफ़ी वीक सिग्नल मिलता है देखो इसमें लिखा है माइक्रो वोल्ट या मिली वोल्ट भी मिलता है ठीक है तो उसको हम एम्पलीफाई फर्दर एम्पलीफाई कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट और जो हमारा आउटपुट मिलेगा दैट इज दैट आउटपुट विल बी एम्प्लीफाइड वन टू टेन वोल्ट लेबल्स ओके विद द हेल्प ऑफ एम्पलीफायर नेक्स्ट एक्टिव फिल्टर्स ऑफ ये सारे सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट के ही पार्ट हैं ठीक है एम्पलीफायर्स होगा एक्टिव फिल्टर्स फिल्टर्स हैं जैसे कि जो हमें लो बैंडविड नहीं चाहिए तो उसको रिड्यूस कर देते हैं फिल्टर्स लगा देते हैं तो ये सारी चीज़ें हम सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट में ही करते हैं तो एक्टिव फिल्टर्स एक्टिव फिल्टर्स क्या होते हैं द फिल्टर्स इज़ फ्रिक्वेंटली फॉलोड बाई ए लो पास एक्टिव फिल्टर दैट रडसे हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल दैट रड्यूसेस हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल तो जैसे हमें रिक्वायरमेंट है हमारा लो पास फिल्टर की ठीक है तो जो उसमें हाई फ्रिक्वेंसीज होगा उसको रिजेक्ट कर देगा और बाकी की फ्रिक्वेंसीज को आने देगा ठीक है तो द एम्पलीफायर इज फ्रीकवेंटली फॉलोड बाई ए लो पास एक्टिव फिल्टर दैट रिड्यूस हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल कंपोनेंट्स अनवाटेड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस नॉइस और इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ फ्रॉम द सिग्नल ठीक है और फिल्टर्स क्या और भी क्या काम करेगा कि जो भी अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज़ हैं नॉइस हैं तो उसको भी uh, uh, मतलब नहीं आने देगा सिग्नल में ठीक है तो वो बेसिकली फ़िल्टर आउट करता रहेगा ठीक नेक्स्ट मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर मैंने बताया कि मल्टीप्लेक्सर क्या है बेसिकली काफ़ी सारे इनपुट सिग्नल और सिंगल हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है ठीक है तो मल्टीप्लेक्सर द प्रोसेस्ड एनालॉग सिग्नल नेक्स्ट गोज टू द एनालॉग मल्टीप्लेक्सर विच स्विच इज सब्सिक्वेंटली बिटवीन नंबर ऑफ डिफरेंट एनालॉग इनपुट चैनल्स ठीक है तो so, uh, उसके बाद हमारा जो सिग्नल कंडीशनिंग ब्लॉक का आउटपुट होगा वो मल्टीप्लेक्सर में हम उसे दे रहे हैं ठीक है, है? Uh, उसको एज एन इनपुट वर्क करेगा फिर उससे हमें एक सिंगल आउटपुट ऑप्टेन होगा नेक्स्ट सैम्पल एंड होल सर्किट ठीक है अब ये क्या होता है सैम्पल एंड होल सर्किट होता है बेसिकली ईच इनपुट इज इन टर्न कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ़ द मल्टीप्लेक्सर फॉर फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम बाई द मल्टीप्लेक्सर स्विच ठीक है अब इसमें सैंपल एंड होल सर्किट लगा होता है जो मतलब ईच इनपुट के लिए वो एक आउटपुट देगा ठीक है मतलब हमारा एक इनपुट है तो उसके लिए एक हमें सिंगल आउटपुट मिलेगा ठीक है फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम ठीक है बाई ए मल्टीप्लेक्सर स्विच ठीक है तो वही काम कर रहा switch, है ईच इनपुट इज इन टर्न कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ़ द मल्टीप्लेक्सर फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम बाई द मल्टीप्लेक्सर स्विच ठीक है ड्यूरिंग अब क्या हो रहा है ड्यूरिंग कनेक्शन a sample hold circuit acquires the signal voltage and then holds its value while an analog to digital कन्वर्ट द वैल्यू इन टू डिजिटल फॉर्म बेसिकली इस सैम्पल एंड होल्ड सर्किट का ये फंक्शन होता है कि जब तक जैसे हमारा मल्टीप्लेक्सर से हमारा जो आउटपुट है वो एनालॉ टू डिजिटल कन्वर्टर को जा रहा है तो वो तब तक होल्ड करके रखेगा जब तक हमारा एक सिग्नल डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए ठीक है तो ये बेसिक फंक्शन है सैम्पल एंड होल सर्किट का ठीक है नेक्स्ट कंप्यूटर डेटा बस तो द रिजल्टेंट फ़ाइनल जो हमारा बेसिकली uh, कन्वर्जन के बाद हम हमें जो आउटपुट मिला सिग्नल मिला डिजिटल सिग्नल मिला उसको हमने कंप्यूटर डेटा बस से कनेक्ट कर दिया है इसमें देखो ये जो फ़ाइनल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के बाद हमारा फ़ाइनल जो है वो कंप्यूटर बस से हमारा कनेक्ट हो गया है ठीक है सिग्नल कि हमारा जो भी हमारे कन्वर्जन के बाद हमारा डिजिटल फॉर्म में मिला अब उस डिजिटल फॉर्म को हमने कंप्यूटर बस पर लोड कर दिया है तो ये हमारा ओवरऑल डेटा एक्पोजिशन सिस्टम का फंक्शनिंग ब्लॉक्स हैं ठीक है तो कंप्यूटर डेटाबस द रिजल्ट इन डिजिटल वर्ड गोज टू ए कंप्यूटर डेटाबस और टू द इनपुट ऑफ डिजिटल सर्किट ठीक है तो कंप्यूटर डेटा बस बेसिकली क्या कर रहा है जो हमारा रिजल्टेंट डिजिटल वैल्यू मिली उसको हमने कंप्यूटर डेटा बस और इनपुट ऑफ द डिजिटल सर्किट में प्लेस कर दिया है ठीक है तो ये सारी चीज़ें किया है नेक्स्ट प्रोग्रामर सिक्वेंसर यहाँ पे एक प्रोग्रामर सिक्वेंसर होता है जिसका काम क्या होता है द टाइमिंग एंड कंट्रोल ऑफ द कम्प्लीट डेटा एक्वजिशन सिस्टम इज डन बाई डिजिटल सर्किट कॉल प्रोग्रामर सिक्वेंसर ठीक है तो आप देखो टाइमिंग एंड कंट्रोल ऑफ कंप्लीट डेटा एक्विजिशन सिस्टम किसके थ्रू uh, होता है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सर्किट ठीक है डिजिटल सर्किट के हेल्प से ही इसका टाइमिंग और कंट्रोल ऑफ पूरे डेटा का होता है ठीक है तो उस डिजिटल उस सर्किट को क्या कहेंगे हम प्रोग्रामर सिक्वेंसर का टर्म दे देंगे ठीक है कि जो भी हमारा ये लोडिंग हुई है डिजिटल डेटा की उसको कंप्लीट टाइमिंग और कंट्रोल करेगा कौन करेगा प्रोग्रामर सिक्वेंसर करेगा ठीक है तो द टाइमिंग एंड कंट्रोल ऑफ द कंप्लीट डेटा a position system is done by a digital circuit called programmer sequencer which in turns is under the control of the computer theek hai. तो मतलब और इसका कंट्रोल किसके पास होता है कंप्यूटर के पास होता है तो हमने देखो एक एक स्टेप से देखा कि एक एक ब्लॉक्स का क्या फंक्शन है उस ब्लॉक के फंक्शन से हमें क्या आउटपुट मिल रहा है उस आउटपुट को हम अगले ब्लॉक को एज एन इनपुट दे रहे हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉक से हमें आउटपुट मिल रहा है फिर फर्दर नेक्स्ट ब्लॉक को uh, उस आउटपुट को एज एन इनपुट दे रहे हैं और इस तरीके से हमारा डेटा का कन्वर्जन हो रहा है ठीक है फिर हम बात करेंगे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम के हैं ठीक है तो बेसिकली मस्ट एक्वायर द नेसेसरी डेटा एट करेक्ट स्पीड ठीक है तो मतलब इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं डेटा एक्विजिशन सिस्टम के कि हमें ये जो नेसेसरी डेटा है करेक्ट स्पीड पे हमें फाइंड आउट हो जा रहा है ठीक है नेक्स्ट क्या है यूज़ ऑफ ऑल डेटा एफिशिएंटली टू इन्फॉर्म द ऑपरेटर अबाउट द स्टेट ऑफ इनपुट ठीक है हम हम सारे डेटा को इफ़िशियंटली यूज़ कर पा रहे हैं और हम ऑपरेटर को इसके इनपुट के स्टेट के बारे में भी बता पा रहे हैं ठीक है विद द हेल्प ऑफ डेटा एक्जिशन सिस्टम वी आर यूजिंग ऑल डेटा इफ़िशियंटली ठीक है इसमें हम, हम काफ़ी सारे डेटा को गैदर करके हम उसको ऑपरेट भी कर पा रहे हैं ठीक है मस्ट मॉनीटर द कम्प्लीट प्लांट ऑपरेशन टू ए मेनटेन ऑनलाइन ऑप्टीम एंड सेफ ऑपरेशन ठीक है उसके बाद हमारा जो फाइनल uh, डेटा uh, है वो डिस्प्ले हो रहा है उस uh, डिस्प्ले में हम देखकर हम किसी भी प्लांट को जैसे फॉर इन एनी इंडस्ट्री इफ पावर प्लांट इज रनिंग तो हम उसको मॉनिटर करके ये भी देख सक देख पा रहे हैं कि हम उस पर कैसे ऑपरेशन करें टू ऑपटेन द ऑप्टीमल वैल्यू ऑफ आउटपुट ठीक है तो हम बेसिकली मॉनिटर कर रहे हैं मॉनिटर के बाद हम प्लांट को ऑपरेट भी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम ठीक है तो विद द हेल्प ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम बहुत सारी चीज़ें जो सिम्प्लीफाई uh, uh, हुई हैं दैट इज़ योर मतलब डेटा करेक्ट स्पीड में हमें मिल जा रहा है ठीक है सारे डेटा को हम एफिशिएंटली यूज़ कर ले रहे हैं ठीक है और हम डेटा को मॉनिटर कर पा रहे हैं और ऑब्जर्व uh, भी कर पा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम प्लांट को ऑपरेट भी कर पा रहे हैं ठीक है तो मस्ट मॉनिटर द द कंप्लीट प्लांट ऑपरेशन टू मेंटेन ऑनलाइन ऑप्टिमम एंड सेफ ऑपरेशन ठीक है तो प्लांट के सेफ ऑपरेशन के लिए भी ये यूजफुल हो रहा है ठीक है तो बेसिकली दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम सो इन दिस लेक्चर क्या क्या हमने कवर किया वॉट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम क्या क्या कंपोनेंट्स थे आपके ट्रांसड्यूसर क्विक व्यू लेते हैं तो सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट थर्ड आपका हो गया आपका मल्टीप्लेक्सर नेक्स्ट हो गया आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ओके फर्दर फिफ्थ जो होगा रिकॉर्डर और डिस्प्ले डिवाइसेस these are the various blocks of uh, digital uh, data acquisition system ticket, transducer signal conditioning unit upcom multiplexer analog to digital converter recorder or display devices okay? so in this lecture uh, th these things has been briefly covered and what are the objectives of data acquisition system uh, so uh, this is all about this class thank you class